तो हे गाइस, अगर आपके भी इंस्टाग्राम में से नोट्स वाला ऑप्शन आकर गायब हो गया है या फिर आपके इंस्टाग्राम मैसेज बॉक्स के अंदर यह नोट्स वाला ऑप्शन नहीं आया है, तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये नोट्स वाला ऑप्शन आपके इंस्टाग्राम के अंदर कैसे लाना है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आपको 3 से 4 ट्रिक बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक का यूज करके आप लोग के इंस्टाग्राम के अंदर नोट्स वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको सभी ट्रिक को बारी बारी से फॉलो करना है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ चेक करना है कि आपके इंस्टाग्राम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके कारण इंस्टाग्राम के अंदर नोट्स वाला फीचर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको अपने प्रोफाइल को ओपन करना है, देन आपको ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है। अब आपको यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शन में आना है, एंड आपको नीचे स्लाइड करना है। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपका जो अकाउंट है वो किस टाइप का है, अगर आपका बिजनेस अकाउंट है या फिर प्राइवेट अकाउंट है, हो सकता है कहीं इसके लिए भी ये प्रॉब्लम आ रहा हो। तो आपको जस्ट करना है कि आपको स्विच अकाउंट टाइप पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको स्विच टू पर्सनल अकाउंट कर लेना है। इसके साथ साथ आपको अपने अकाउंट को प्रोफेशनल भी रखना है, क्योंकि जब इंस्टाग्राम इसको लॉन्च किया था तो सबसे पहले क्रिएटर वाले को ही दे रहा था, तो इसके लिए आपको अपने अकाउंट को क्रिएटर में चेंज कर लेना है, यानी प्रोफेशनल कर लेना है। तो सबसे पहला ट्रिक क्या है कि अपने इंस्टाग्राम का स्टोरेज आपको क्लियर कर देना है। तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पर टैप करके रखना है, देन आपको ऐप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, एंड आपको स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन अब आपको क्लियर चेंज एंड क्लियर डाटा पे क्लिक करके इसको क्लीन कर देना है। बट उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि आपके इंस्टाग्राम का पासवर्ड आपको मालूम है या नहीं, क्योंकि जैसे हम लोग क्लियर करेंगे तो आपको फिर से अपने इंस्टाग्राम में लॉगिन होना होगा, तो आपको अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड मालूम होना चाहिए, तभी आप लोग ये चीज़ ट्राई करेंगे। अगर आपको भी इंस्टाग्राम का पासवर्ड नहीं मालूम है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम का पासवर्ड क्या है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, चाहे तो आप लोग उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। अब इसके बाद ये करने के बाद आपको करना है कि आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद जस्ट आपको इंस्टाग्राम सर्च कर लेना है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर यह अपडेट करने को बोलेगा, बट मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताने वाला हूँ अपडेट करने के साथ साथ। सबसे पहले आपको यहाँ पर यह चीज़ चेक करना है कि आपका जो इंस्टाग्राम है वो अपडेट है या नहीं। अगर आपका इंस्टाग्राम अपडेट नहीं होगा तो सबसे पहले उसको अपडेट करना है। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम आपको साइड में बीटा भी देखने को मिल रहा होगा, जो बहुत सारे कम लोगों के इंस्टाग्राम में यहाँ पर बीटा वर्जन देखने को मिलता है। तो आपको सबसे पहले वीटा वर्जन ज्वाइन करके रखना है। पहले आप लोग ये चीज़ जान लीजिए कि वीटा वर्जन ज्वाइन करके रखने से क्या चीज़ होता है। जो भी न्यू फीचर होता है, जो न्यू अपडेट होता है, वो सबसे पहले वीटा वर्जन वाले को ही मिलता है। अगर आप लोग को भी न्यू फीचर एंड न्यू अपडेट सबसे पहले चाहिए अपने इंस्टाग्राम के अंदर, तो आपको जस्ट वीटा वर्जन ज्वाइन करके रखना होगा। अब आपको वीटा वर्जन कैसे ज्वाइन करना है, तो आपको जस्ट यहाँ पर नीचे स्लाइड करना है। स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ पर एक ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं योर ए वीटा टीजर, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है, तब आपके भी इंस्टाग्राम में वीटा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे एंड अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेंगे, उसके बाद आपका ये जो नोट वाला प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आपके भी इंस्टाग्राम के अंदर नोट्स वाला फीचर आ जाएगा। अब बहुत सारे केस में क्या होता है कि कितना भी कर लेते हैं अपडेट, उसके बाद भी ये ऑप्शन नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जस्ट अगर आपके पास कोई और अकाउंट है जिसमें ये फीचर आ रहा है और आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है, तो सिंपल से करना क्या है, आपको उसी इंस्टाग्राम के अंदर आपको उस अकाउंट को एक बार लॉगिन कर लेना है। जिस अकाउंट में नोट्स वाला फीचर आ रहा है उस अकाउंट के अंदर आपको ऐड अकाउंट पर क्लिक करके जो अकाउंट में ये ऑप्शन नहीं आ रहा उस अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपका ये जो प्रॉब्लम होगा वो 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आपको मैं यहाँ पर लास्ट प्रोसेस बता देता हूँ। सो लास्ट प्रोसेस में आपको करना है कि आपने मैसेज बॉक्स में जाना है, एंड आपको यहाँ पर नोट्स वाला जो फीचर है वो नहीं शो हो रहा है, तो आपको जस्ट उसका एक स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके से लेके रख लेना है। स्क्रीनशॉट लेके रखने के बाद आपको जस्ट बैक आना है। बैक आने के बाद आपको प्रोफाइल ओपन करना है। अब आपको ऊपर 3 लाइन दिख रहा होगा, 3 लाइन पे क्लिक करना है, सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन दिख रहा होगा, जस्ट हम लोग यहाँ हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब रिपोर्ट ए प्रॉब्लम वाले ऑप्शन पे सबसे ऊपर क्लिक कर लेंगे, एंड यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके का न्यू इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो ये स्क्रीनशॉट ऐड हो चुका है, सबसे पहले इसको हम लोग हटा देंगे, एंड गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उस स्क्रीनशॉट को हम लोग ऐड कर लेंगे जो हमने अभी स्क्रीनशॉट वहाँ पे लिया था।
अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है मैं सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ। सो आपको लिखना है हेलो इंस्टाग्राम टीम, नोट्स ऑप्शन इज नॉट कमिंग इन माई इंस्टाग्राम, सो प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो बहुत छोटा सा आपको वर्ड लिखना है, बस आपको इतना लिखना है। सो यहाँ पे हमने जो लिखा है उसको कॉपी करके मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे तो आप लोग वहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको जस्ट ऊपर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इतना करेंगे आपका जो रिपोर्ट होगा वो सबमिट हो जाएगा। अब आपको वेट करना है अगले अपडेट का। रिपोर्ट करने के बाद आपको अगले अपडेट का वेट करना है। जैसे आपका इंस्टाग्राम फिर से अपडेट मांगने लगेगा तो उसको जस्ट अपडेट कर लेना है। जैसे आप लोग अपडेट करेंगे उसके बाद आपके भी इंस्टाग्राम के अंदर नोट्स वाला फीचर आ जाएगा। सो हे गाइस, कैसा लगा आज का ये इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजबल वीडियो, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।